स्वागत है आपका एक बार फिर ऋतिक आर्ट क्रिएशन में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन आर्टिस्ट के बारे में जो अभी ड्राइंग स्टार्ट किए हैं और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें कौन सा मटेरियल ख़रीदना चाहिए। तो आज की वीडियो ये उनके लिए है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये सारा मटेरियल इकट्ठा कर रखा है। तो ये वही मटेरियल है जो सबसे बेस्ट है, चीप है और एक बिगनर आर्टिस्ट को लेना चाहिए, इनको ही लेना चाहिए, मैं तो कहूँगा। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। मैं इसको हम बात करते हैं ड्राइंग पेंसिल्स के बारे में। ड्राइंग पेंसिल्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगा आर्टलाइन की। तो आर्टलाइन की ये पेंसिल जो है आपको 70 रुपीज़ इसका प्रिंटेड प्राइस है, बट इसको आप मार्केट में जाके 60 या 65 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें आपको ग्रेड्स अवेलेबल हैं HB, 2B, 4B, 6B और 8B, 10B। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हैं वो पेंसिल्स। तो मैं आपको इनके ग्रेड्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो HB है हम उसको निकालते हैं, गिरी। ये है हमारे पास HB। अब बात करते हैं 2B की। ये है हमारे पास 2B। अब देखते हैं 4B। ये है हमारे पास 4B। अब देखते हैं 6B। ये है हमारे पास 6B। अब 8B देख लेते हैं। और अब 10B। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा डार्कर ग्रेड्स की पेंसिल आपको अवेलेबल हैं, 10B, 8B और 6B, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप इनसे पोर्ट्रेट्स में, हेयर्स, लिप्स और बियर्ड्स में अच्छे से काम कर सकते हैं। आपको जो डार्कनेस चाहिए आपको वो इसमें मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ फेबर कासल या कैमलिन या अप्सरा की पेंसिल्स में आपको इतने डार्कर ग्रेड्स नहीं मिलते हैं, वो इतनी डार्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार हैं, बट बिगनर आर्टिस्ट को आर्ट लाइन की पेंसिल लेनी चाहिए। वो इससे काम करेगा और उसको जो रिज़ल्ट मिलेंगे उससे वो सच में खुश होगा। अब हम बात कर लेते हैं चारकोल पेंसिल की। चारकोल पेंसिल को आप बैकग्राउंड्स में पोर्ट्रेट्स के यूज़ कर सकते हैं या हेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैमलिन की ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जो कि बहुत ही अच्छी है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कितनी डार्क है, सॉफ्ट है ये। इसका पैक भी आता है, बट आप उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय आप इसमें ही करिए, क्योंकि ये 10 रुपीज़ की है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। ये कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। तो अब बात करते हैं मैकेनिकल पेंसिल। मैकेनिकल पेंसिल मैं तो कहूँगा आप कोई भी ले लीजिए, 5 रुपये या 10 रुपये की आती है। उससे आप आउटलाइंस और जो ज़्यादा डिटेल वर्क होता है, बहुत छोटे वर्क होते हैं पोर्ट्रेट्स में, वो आप उनसे कर सकते हैं। एक मैकेनिकल पेंसिल की जो ज़रूरत रहती है बिगनर आर्टिस्ट को, वो 5-10 रुपये में ही हो सकती है कम्प्लीट। इसके साथ साथ आप फेबर कासिल की लेड ज़रूर ले लीजिएगा, जो ज़्यादा डार्क है, 0.5 की HP लेड है, काफ़ी डार्क है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इरेजर्स की। यहाँ पे ये आप नॉर्मल इरेजर यूज़ करिए पोर्ट्रेट्स में, और इसके अलावा भी आपको अप्सरा की एक ये मैक्नो इरेजर मिल जाएगी, 20 रुपीज़ इसका प्राइस है। जो आर्टिस्ट जिनको मोनो ज़ीरो इरेजर काफ़ी महंगी लगती है, बट उन्हें
वैसी इरेज़र चाहिए तो ये उनके लिए है। और ये अच्छी भी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक अलग से रिफ़िल भी मिल जाती है इरेज़र की, और इसे आप पोर्ट्रेट्स में जो हाईलाइट भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी इरेज़र है, मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी इरेज़र है। अब इसमें इस तरीके से हाइलाइट्स दे सकते हैं। वहीं इस इरेज़र की बात करें तो ये उतनी अच्छी नहीं है, बट नॉर्मल इरेज़र तो सबके पास ही होती है, जो आउटलाइंस वगैरह बनाते समय आपको ये यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और ये भी अच्छी इरेज़र है। इसके अलावा मेरे पास मोनो इरेज़र है, बट मैं बिगनर आर्टिस्ट को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी रिफ़िल और ये बहुत महंगी आती है। ये मुझे अमेज़ॉन में सेल में मिल गई थी तो मैंने भी ले लिया था, बट मैं इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ कि इसकी रिफ़िल बहुत ज़्यादा महंगी आती है। मैं ज़्यादातर इसी से ही काम करता हूँ। और इस नॉर्मल इरेज़र से आप इसको काट के कैसा भी शेप दे सकते हैं और वैसे यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली। नीडेबल इरेज़र भी इसके अलावा ऑप्शन है, बट वो इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं शार्पनर्स की। शार्पनर्स मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ, और ये मैं कटर यूज़ करता हूँ चारकोल और जो 10B 8B की ग्रेड्स होती हैं उनको शार्प करने के लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हाइलाइट्स के लिए मैं अप्सरा ग्लास मार्किंग पेंसिल यूज़ करता हूँ। इससे मैं हाइलाइट्स दे सकता हूँ हेयर्स में और बियर्ड्स में जो मैं बनाता हूँ पोर्ट्रेट्स में। काफ़ी अच्छी है, इसकी भी प्राइस आपको 10 रुपये में शायद मिल जाती है ये। और अब बात करते हैं ब्लेंडिंग के लिए। ब्लेंडिंग के लिए मैं नॉर्मली ईयरबड्स और ये टिश्यू पेपर ही यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छे हैं। आप चाहें तो ब्लेंडिंग स्टफ ख़रीद सकते हैं, बट उसका कोई इतना यूज़ नहीं है जितना कि आप टिश्यू पेपर और इनसे काम कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, और बिगिनर आर्टिस्ट को ज़्यादा पैसे अभी नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए एक ड्राइंग मटेरियल्स में। जो मटेरियल मैंने आपको दिखाया है ये मैं काफ़ी पहले से यूज़ करता चला आया हूँ और आज भी यूज़ कर रहा हूँ मैंने। इसके अलावा मैंने कोई महंगी पेंसिल नहीं ली है। इसके अलावा स्टेडलर की आती है, मैंने अभी तक वो भी नहीं ली है। मैं इसी से ही खुश हूँ। और मैं आपको बता दूँ, पेपर्स जो रहता है आप नॉर्मल आइवरी पेपर यूज़ कर सकते हैं 200 GSM का। इसकी प्राइस 100 प्रिंटेड है, बट ये आपको 70 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको 25 शीट्स मिल जाते हैं। और पोर्ट्रेट्स ड्राइंग के लिए मैं आपको यही पेपर रिकमेंड करूँगा, बहुत ही अच्छा पेपर है। आप जो प्रिंट पेपर होता है वो मत यूज़ करिए, उसको आप एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें लाइन प्रैक्टिस और सर्कुलर प्रैक्टिस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट आप जो पेपर मैंने आपको रिकमेंड किया है आप यही यूज़ करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसे महंगा पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको इस पर वर्क दिखा देता हूँ। तो ये मेरा वर्क है जो कि मैंने आइवरी शीट पे किया है, जो मैंने आपको अभी दिखाया। और ये सारा मैंने काम आर्ट लाइन पेंसिल से किया है। और इसमें यहाँ पे जो बैट है इसमें मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है, इस वाली पेंसिल का। और इसमें मैंने हाइलाइट्स जो दिए हैं कुछ कुछ जगह पे, वो मैंने ग्लास मार्किंग पेंसिल को यूज़ किया है और इरेजर्स को यूज़ किया है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो बिगनर आर्टिस्ट को मैं यही लास्ट मैसेज देना चाहूँगा, और अपनी पूरी वीडियो में मैंने ये कहा है कि ये जो ड्राइंग मटेरियल्स है आपको महंगा मत खरीदिए। सबसे चीप और सबसे बेस्ट मटेरियल मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसी में ही इन्वेस्ट करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और आपको ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। इन सब मटेरियल्स की प्राइस लगभग 200 रुपीज़ या उसके अंदर ही है। आई होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, और एक लाइक बटन ज़रूर दे दीजिएगा। मेरा मतलब है लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।